व्हाट्सएप पर हुए पेगासस अटैक के बाद पैदा हुए खतरे से इस ऐप के दीवानों में डर बैठ गया है। डर भी ऐसा कि लोग इसकी जगह दूसरे ऐप्स पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। इसी के चलते हर तरह से सुरक्षित समझे जाने वाले व्हाट्सएप की लोकप्रियता में हाल के दिनों में जबरदस्त गिरावट आई है। इसका अंदाजा इसके डाउनलोड में आई कमी के आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। सेंसर टावर के आंकड़ों के मुताबिक 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच व्हाट्सएप डाउनलोड्स में 80% की गिरावट दर्ज की गई। 17 से 25 अक्टूबर के बीच करीब 90 लाख मोबाइल पर व्हाट्सएप डाउनलोड किया गया था। 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच व्हाट्सएप डाउनलोड्स घटकर महज 18 लाख रह गए। भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर्स हैं, यानी व्हाट्सएप के लिए दुनिया भर में भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन अब व्हाट्सएप में सेंध लगने के डर से लोग दूसरे ऐप्स का रुख कर रहे हैं। यही वजह है 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सिग्नल ऐप के डाउनलोड 63% बढ़कर 9600 पर पहुंच गए। टेलीग्राम के डाउनलोड्स भी 10% बढ़कर 9,20,000 हो गए। अगर आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि बीते कुछ दिनों में नए यूजर्स की नोटिफिकेशन में तेजी आई है। अमेरिकी ऐप एनालिटिक्स फर्म एनी के आंकड़ों के मुताबिक iOS ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग ऐप डाउनलोड कैटेगरी में सिग्नल एक हफ्ते पहले के 105वें स्थान से छलांग लगाकर 39वें स्थान पर पहुंच गया है। गूगल प्ले पर कम्युनिकेशंस ऐप डाउनलोड कैटेगरी में सिग्नल 225वें पायदान से छलांग लगाकर 31वें स्थान पर पहुंच गया। सिग्नल पर लोगों का भरोसा बढ़ने के साथ व्हाट्सएप पर घटने की तस्दीक भी आंकड़े बयान कर रहे हैं। एनी के आंकड़ों के मुताबिक गूगल प्ले पर व्हाट्सएप सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप था, लेकिन एक ही हफ्ते में ये लुढ़क कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। यूसी ब्राउजर, फेसबुक मैसेंजर और ट्रू कॉलर ऐप्स पहले 3 स्थानों पर काबिज हैं। इसी बीच खबरें आई हैं कि पेगासस के अटैक के 3 दिन पहले ही सीआरटी इन ने इस अटैक से जुड़ी एडवाइजरी की थी, लेकिन व्हाट्सएप ने 3 दिन बाद अटैक की जानकारी देते वक्त पेगासस का नाम तक नहीं लिया था। यानी इस अटैक को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब तलाशने तक इसका मकसद शक के घेरे में बना रहेगा।